नमस्कार, आज हमें अपना मधुसूदन प्रथम पाठ करे शोनाच्छी। ओम मित्तुच्चारतो मोहो निद्रा दुरं पलायते तथागस्तम जगन्नाथो त्राहि मम मधुसूदन नागति विद्यते नाथो तमेव शरणं मम पाप पंके निमग्नोऽस्मि त्राहि मम मधुसूदन मोहितो अज्ञानो जालेन पुत्रदारा गृहादिषु कृष्णाया पीड्यमानोऽस्मि त्राहि मम मधुसूदन भक्तिहीनं च दीनं च दुःखशोकातुरं प्रभो अनाश्रयो मनाथं च त्राहि मम मधुसूदन गतागतेन शन्तोऽस्मि दीर्घसंसारवत्मसु पूर्णरेगागन्तुमिच्छामि त्राहि मम मधुसूदन बहवो हि माया दृष्टा योनिदारो पृथक् पृथक् गर्भवासो महादुःखत्राहि मम मधुसूदन तेन देवप्रपन्नोऽस्मि त्राणार्थ तत्परायण दुःखार्नरी निमग्नो अहं त्राहि मम मधुसूदन वाचा यच्च प्रतिज्ञातं कर्मनुपपादितम् तत्पापाद्धि निमग्नोऽस्मि त्राहि मम मधुसूदन सुकृतं न कृतं किञ्चिद् दुष्कृतं च कृतं मया संसारनर्वमग्नोऽस्मि त्राहि मम मधुसूदन देहान्तरसहस्रेषु प्रापितं भ्रमता मया त्रिजकतं मनुसंतो त्राहि मम मधुसूदन वाचयामि यथोन्मत्त प्रलपामि तवाग्रत जरा मरणभीतोऽस्मि त्राहि मम मधुसूदन यत्र तत्र च जातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु देहि तत्र चलं भक्ति त्राहि मम मधुसूदन गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो गृहा तदापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तका सन्ति स्तोत्राणि बहवो वाञ्छितार्थप्रदानि वै द्वादशशरणं परं नास्ति वासुदेवेन भाषितम् द्वादशानां महास्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं गर्भवासो निराशाय शोकेन परिभाषितम् द्वादशानां निराहारो यः पठेत् हरिवासरे स गच्छेद् वैष्णवं धाम यत्र योगेश्वर हरि इति श्रीशुकदेव विरचितं मधुसूदन सूक्तं संपूर्णम्।